अलखुरज टूर एंड ट्रैवल्स ने नहायत ही कम अरसे में अपनी मुनफरद खिदमात के जरिए मुसलमानों में अपनी जगह बनाई है। टूर से अब तक कमोबेश 300 से ज्यादा अफराद ने उमरा किया है। इसी सिलसिले में 8 मई को 51 अफराद का काफिला उमरा के लिए हैदराबाद से रवाना होने जा रहा है। अलखुरज टूर्स एंड ट्रैवल्स नहायत ही कम अरसे में अपनी मुनफरद खिदमात के जरिए मुसलमानों ने नांदेड़ में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। टूर से अब तक कमोबेश 300 से ज्यादा अफराद ने उमरा किया है। 8 मई 2017 के रोज 51 अफराद पर मुश्तमिल काफिला हैदराबाद से जद्दा के लिए रवाना होने जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों 23 अफराद का काफिला उमरा करके वापस लौटा, जिसमें नांदेड़ शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल अजीम रिजवी भी मौजूद थे। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि इस नाचीज को मदीने तैयबा और हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत का मौका नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा था, यकीनन ये दौरा बड़ा कामयाब रहा। सरकार का बड़ा करम हुआ कि तमाम अरकान इत्मीनान से हो गए और अलकुरैश टूर की जानिब से रवानगी अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम फरमाए, बिलखसूस मक्का मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में दोनों जगहों पर ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा का इंतज़ाम अलकुरैश टूर्स की जानिब से हुआ, जिसमें मुफ्ती जाबिर साहब लातूर से और निज़ामबाद से ज़बी भाई, नांदेड़ से खालिद भाई, कुल मिला के 23 लोगों का ये काफ़िला रवाना हुआ और कल 5 तारीख को हैदराबाद को वापसी हुई। यकीनन बड़ा कामयाब ये दौरा रहा और काफ़ी हद तक इंतज़ाम बड़े शानदार रहे। मक्कतुल मुकरमा में खाने वगैरह का नज़म बड़ा उमदा रहा। यकीनन ये मुबारकबाद वाली बात है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस टूर को मज़ीद कामयाब अता फरमाए और मज़ीद इसको तरक्की अता फरमाए। टूर्स के ज़िम्मेदार सुल्तान साहब ने हमें बताया कि क्यों दूसरे टूर्स की बनिस्बत अलखुरैश टूर्स मुसलमानों में मकबूल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स तो बहुत है, नांदेड़ में है, मुंबई में, हैदराबाद में है, और सबके अपने अपने खिदमात है, सबके अपना अपना तजुर्बा है। किसी को अपन नाम नहीं रख सकते और किसी को बुरा नहीं बोल सकते। हम जो कोशिश कर रहे हैं और उसको जो वादा हम कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। जैसा कि मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत के बाज़ लोग यहाँ पे वादा करते हैं और पैसे वहाँ जाके अलग से लेते हैं, वो पैसे हम नहीं ले रहे। जमजम का कैन है, यहाँ से बोलते देंगे, वहाँ जाके बोलते 12 रियाल दो, इसके पैसे हम अपने तरफ से देते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ जो भी सहूलत है आपको जी। रहने के लिए रिहाइश का खरीब जी। ताम आपको महाराष्ट्र का, नांदेड़ का खाना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें है वक्त की पाबंदी। जो डेट हम आपको देते हाजी को जाने के लिए 2 तारीख 4 तारीख, तो इंशाल्लाह वो तारीख पे फ्लाइट जाता और वो तारीख पे पूरे के पूरे हाजी जाते, ये सबसे अहम है जी। बाकी टूर वाले तो लेके जाते मगर तारीख नहीं देते आपको जी। और अचानक फ़ोन करके बोलते हैं कि फ़लाँ तारीख को जाना है, हाजी साहब आ जाइए, तो ये सबसे बड़ा मसला है जिसको हमने अपने लेवल पर ख़त्म करे। और इंशाल्लाह आगे ऐसे बड़े बड़े मसलों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ भी मसला ना हो और चैन से सुकून से हाजी जाए और उसके अरकान पूरे हो जाए इंशाल्लाह।